अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूँ उमर और आज मैं जा रहा हूँ ऑक्शन की तरफ। तो आज मैं सोचा कि मैं ऑक्शन में जाते हुए आपको जापान की हाईवे के बारे में बताता चलूँ, क्योंकि आज भी मैं हाईवे से जाऊँगा और मैं आमतौर पर हाईवे काफ़ी इस्तेमाल करता हूँ अपने काम में भी और अपने प्राइवेट में भी। जापान की रोड्स के बारे में भी मैं आपको साथ के साथ बताता चलूँ। अगर आपने कहीं पर सफ़र करना होता है तो जिससे आज मैं जा रहा हूँ ऑक्शन की तरफ, और वो है तकरीबन मेरे घर से 30 किलोमीटर। तो अगर मैंने सफ़र करना है ऑक्शन तक, तो मेरे पास दो ऑप्शन होते हैं कि मैं आम रोड से जाऊं या फिर हाईवे इस्तेमाल करके जाऊं। तो अगर मैं हाईवे इस्तेमाल करता हूं तो ऑफ कोर्स मुझे उधर पेमेंट करनी पड़ती है। वो पेमेंट कितनी होती है? तकरीबन अगर मैं यहां से अपने घर से 30 किलोमीटर ऑक्शन तक जाऊं तो मुझे लगेंगे 1500 येन, और मेरा टाइम सेफ होगा। अगर मैं आम रोड से जाऊँ तो मुझे लगेगा 1 घंटा और 10 मिनट लगेंगे। अगर मैं आज हाईवे से जाऊंगा तो मुझे 40 मिनट तकरीबन लगेंगे, तो मेरा 30 मिनट सेफ होता है इस चीज़ से। तो मेरी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि 1500 येन कितने बनते हैं आपकी कंट्री में, ये मैं पे करके आज मैं ऑक्शन तक जाऊंगा। तो आमतौर पर मैं यूज़ करता रहता हूं, और यहां पे जैपनीज काफ़ी हाईवे इस्तेमाल करते रहते हैं, अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, ट्रक्स जो से अपने हाईवे इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उनकी जो पेमेंट होती है वो अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। अगर मैं यहां से टोक्यो तक जाऊं तो उसका मुझे हाईवे का देना पड़ेगा तकरीबन 6000 येन, यानी नागोया से अगर मैं टोक्यो तक जाता हूँ तो मुझे 6000 येन हाईवे का पे करना पड़ेगा, और वापसी पे फिर दोबारा 6000 येन, यानी 12000 येन मैं टोक्यो से जाके वापस आने में मुझे सिर्फ हाईवे का इतना पे करना पड़ता है। तो काफ़ी एक्सपेंसिव है। जो बाहर से यहाँ पे जापान में आता है और गाड़ी में बैठ के जब हाईवे पे चढ़ता है तो हैरान होता है कि इतनी अमाउंट आपको यहाँ पे करनी पड़ती है। तो मंथली भी अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है, आप छोटे छोटे सफ़र भी करते रहते हैं तो काफ़ी सारी अमाउंट बन जाती है ये हाईवे की। एक्सपेंसिव ज़रूर है, लेकिन आपने अगर अपना टाइम बचाना है आप जल्दी अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। हाईवे का जो निज़ाम है जापान में वो बहुत अच्छा है, बहुत मेंटेन है, बहुत साफ़ सुथरी हाईवे है। मैं जब अपने घर से निकलता हूँ तो मैं लाजमी, जिस तरह आज मैं 1 घंटे की ड्राइव करनी है तो मैं लाजमी देख लेता हूँ कि गूगल मैप के ऊपर कि आज मुझे कौन से रूट से जाना चाहिए। डिफरेंट ऑप्शन भी होते हैं आपके पास, यकीन हाईवे के ऊपर भी ऑप्शन मौजूद है कि अगर मैं उस जगह तक पहुँचना है तो मैं कौन सी वाली हाईवे से जाऊँ। जब आप अपने घर से निकलें तो गूगल मैप वगैरह के ऊपर अगर आप देख लें, अच्छा हाईवे पर चढ़ो, ये तो इसी तरह जब आप अपने घर से निकलें तो आप गूगल मैप के ऊपर देख सकते हैं कि कौन सा रूट आपके लिए बेस्ट है। अगर आप इस रूट को नहीं चेक करते तो ये जो सुबह का रश होता है इसमें आप फंस भी सकते हैं, और ये होता है कि ट्रैफिक जैम हो सकती है, कहीं पे एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसलिए मैं तो हमेशा अपनी आदत बनाई है कि मैं जब घर से निकलता हूँ सबसे पहले मैं गूगल मैप पर चेक कर लेता हूँ कि आज जहाँ पर मैं जा रहा हूँ वहाँ तक ट्रैफिक के हालात कैसे हैं। अच्छा, अभी मैं हाईवे के ऊपर जा रहा हूँ, कुछ मैंने वीडियोज़ पहले बनाई हुई हैं हाईवे की, क्योंकि मैं जब मैं हाईवे पे जा रहा हूँ और जब मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं अपने मोबाइल को यूज़ नहीं कर सकता। कुछ वीडियोस पहले की बनाई हुई हैं, वो वीडियोस मैं अभी आपको दिखाऊंगा। हाईवे के बारे में मैं आपको बताता चाहता हूँ साथ के साथ, तो चलिए वो देखते हैं वीडियो। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको ETC कार्ड के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आपने जापान में हाईवे इस्तेमाल करनी है तो आपको पेमेंट के लिए दो ऑप्शन होते हैं, या तो स्टॉप करके आप कैश पे करें, या फिर आप ETC इस्तेमाल करके स्टॉप हुए बगैर आप पेमेंट करके गुजर जाएं। तो जापान में 93% लोग ETC इस्तेमाल करते हैं, और ETC का लिंक क्रेडिट कार्ड के साथ होता है, और कहा जाता है कि फ्यूचर में कैश पेमेंट का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और सिर्फ ETC इस्तेमाल करके आप हाईवे इस्तेमाल कर सकेंगे। ज़्यादातर जापान में हाईवे की स्पीड लिमिट 60 तक होती है आमतौर पर, लेकिन जब बारिश वगैरह हो रही हो या थोड़ी हवा तेज़ हो, ख़तरा हो, तो 40 तक भी कर दी जाती है। और जापान में मैक्सिमम 120 किलोमीटर की हाईवे भी है, और कम से कम अपने 50 किलोमीटर की स्पीड के ऊपर आमतौर पे हाईवे के ऊपर गाड़ी चलानी होती है। अगर आप इससे कम भी चलाएं तो आपका चलान हो सकता है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे मैं ETC टोल गेट की तरफ जा रहा हूँ, मेरे सामने ETC टोल गेट आने वाला है, और क्योंकि मैं ETC को इस्तेमाल करते अपनी पेमेंट करूँगा कैश को नहीं, तो इसलिए मैं स्टॉप हुए बगैर यहाँ से क्रॉस कर जाऊँगा। तो ये मेरा भी सामने वाला ट्रक जोन सा ETC टोल गेट, देखिए आप ऊपर देख सकते हैं। तो नाज़रीन, ये है हाईवे का टोल गेट, सबसे राइट पे ETC है, दरमियान में ETC और कैश आप दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, और सबसे लेफ्ट पे आप सिर्फ कैश पे कर सकते हैं। तो अभी मैं गुजरने लगा हूँ, जब मैं एंटर होता हूँ तो सामने सेंसर कैच करता है और ये मेरे ETC को रीड करके
तो ओपन करके दिखाता है और ये लिखा हुआ है कि आप गुजर सकते हैं। तो इस तरह मैं हाईवे के अंदर एंटर हो गया और मैं स्टॉप किए बगैर मेरी पेमेंट भी होगी और अब मैं हाईवे पे आगे ड्राइव करता चलता हूँ। नाज़रीन, अभी मैं हाईवे पे जा रहा हूँ, आप इसका नज़ारा इंजॉय कर सकते हैं और साथ के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि इस हाईवे पे 3 ट्रैक हैं और जो आमतौर पे जापान में सबसे राइट ट्रैक होता है वो होता है ओइकोशी शासेन, उसे कहते हैं। ओइकोशी शासेन का मतलब ही ये है कि आप सिर्फ इसको ओवरटेक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी अगर आपका ओवरटेक ख़त्म हो गया तो आपने वापस लेफ्ट की तरफ अपनी गाड़ी डालनी होती है, जिस तरह इस ट्रक ने ओवरटेक करने के बाद अपनी गाड़ी दरमियान में डाल दी। मुसलसल आपके लेफ्ट साइड पे ट्रैफिक है, फिर आप चला सकते हैं, लेकिन अगर आप मुसलसल इस सिर्फ राइट ट्रैक के ऊपर चलते जाएं और आपके लेफ़्ट साइड पे कार ना हो तो वो भी आपका चलान हो सकता है, तो इस चीज़ का आपने बड़ा ख्याल रखना होता है। तो ये अभी एग्जिट है और मैं हाईवे से वापस उतर रहा हूँ आम रोड की तरफ। तो ये पार जाते वक्त भी मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे ये दोबारा से यहाँ पे ETC टोल आता है कि आपने जब चढ़े हैं वहाँ से सेंसर ने आपको, और आप जब उतर रहे हैं तो सेंसर अब आपको यहाँ पे बताएगा कि आपकी पेमेंट कितनी बनती है। यहाँ तक जो आपने सफ़र किया उसकी पेमेंट आपको, जिस तरह मुझे यहाँ पर 740 yen इस हाईवे पर लगे हैं। तो नाज़रीन, ये थी वीडियो जापान की हाईवे के बारे में। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है आप प्लीज़ शेयर करें इसे और लाइक करें, और मेरा फेसबुक अकाउंट और मेरा यूट्यूब अकाउंट आप फॉलो करें, और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।